ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत कोळसा तुटवड्यावर प्रतिक्रिया देत म्हणाले की कोल इंडिया देशातील सर्व वीज कंपन्यांना कोळसा पुरवते, तर त्यांच्या व्यवस्थापनेत अडचण आहे. आमचे अधिकारी तिथे बसले असून महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात आहे. काही ठिकाणी प्लांटमध्ये 1.5 दिवस, काही ठिकाणी 3, तर काही ठिकाणी 6 दिवसांचा कोळसा साठा आहे. त्यामुळे कोळसाचे 2200 कोटी केंद्राला द्यायचे आहे, अशी प्रतिक्रिया ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. यावेळी जे वीज चोरत असून बिल भरत नाही त्यांना पैसे भरण्याची विनंती देखील नितीन राऊत यांनी केली. कोयले का भी 2200 करोड रुपया हमको केंद्र सरकार को देना है. केंद्र सरकार ने कहा है कि आप पहले पैसे दीजिए, बाद में हम कोयला देते हैं. ये भी बात है, नहीं है ऐसी बात नहीं है. इसीलिए हमने उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जानकारी दी. क्या मांग है, कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी, लोड शेडिंग वाली है? देखो, मेरी पूरी कोशिश चल रही है इसको सामान्य करने की. मैं 2-3 दिन में इसके ऊपर अच्छे से वक्तव्य करूँगा. मैंने एक डेडलाइन ठहरा ली है कि 19 तारीख तक के मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा कि महाराष्ट्र में लोड शेडिंग ना हो. मेरा प्रयास कितना सफल होता है आप ही देखेंगे और सारे राज्य के लोग देखेंगे. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर.